उप तहसील गंगत के सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पर स्कूल में जमकर हंगामा भी हुआ। स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आरोपी के बाद शिक्षक को दौरा भी पड़ा और उसे नूरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एएसआई पवन कुमार ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे नूरपुर के डीएसपी शाहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि की है। उप तहसील गंगत के सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पर स्कूल में जमकर हंगामा भी हुआ। स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आरोपों के बाद शिक्षक को दौरा भी पड़ा है और उसे नूरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्राओं ने स्कूल के फिजिक्स टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से टीचर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। अब हिम्मत जुटाकर छात्राओं और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक लैब में बुलाकर किस और हग करने का दबाव डालता है और असेसमेंट के ज्यादा नंबर लगाने की बात करता था। ऐसा न करने पर आरोपी कम नंबर लगाने की धमकी देता है। बच्चे स्कूल में धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण है। हंगामे के बाद गंगत पुलिस चौकी की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने सारे मामले पर संज्ञान लिया और उनकी ओर से गठित टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की गई है। मैंने अभी आपको ये सामने विचार रखे हैं कि मुझे विभाग की तरफ से भेजा गया और कहा गया कि वहाँ पे जा करके फाइंड आउट कर लिए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ जो वो करेगा। अभी क्या कार्रवाई की है? अभी हमने FIR जो है वो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कर देंगे और उसकी एक मेल की कॉपी जो है वो अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेज दी जाएगी। ASI पवन कुमार ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे नूरपुर के DSP साहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि की है। माहौल को कुछ बाहरी तत्वों ने उकसाने का प्रयास कर वहां मौजूद पत्रकारों को धमकाया तथा पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की। इस बारे DSP नूरपुर साहिल अरोड़ा ने उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगत से हमें कंप्लेंट मिली है कि कुछ यहाँ पे लड़कियाँ हैं स्कूल की, उनके साथ इनके अध्यापक हैं, उन्होंने बैड टच किया है, जिसको गुड टच बैड टच बोलते हैं, तो बैड टच इनअप्रोप्रिएट टच किया है इन्होंने। तो उसके तहत हमने इसमें संज्ञान लेते हुए हम उस टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं सेक्शन 354A और पॉक्सो एक्ट और 506 IPC में। तो हम टीचर के खिलाफ FIR अभी दर्ज कर रहे हैं। टीचर को अरेस्ट करके उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा और आगामी कार्रवाई जो है अमल पे लेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।